आज जहां समूचा हिंदुस्तान रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है, वहीं एक समुदाय ऐसा भी है जहां पर रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता। हर भाई की कलाई पर बहन की बंधी राखी होगी, लेकिन पालीवाल समाज की बहनें तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते ही नहीं है। और समूचे देश में फैले पालीवाल ब्राह्मण जाति के लाखों लोग रक्षाबंधन के पर्व को ना मनाकर इसे तर्पण शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। करीब 731 वर्ष पूर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन एक मुगल शासक के आक्रमण में हजारों की संख्या में पालीवाल ब्राह्मण की स्त्री पुरुष व बच्चों का नरसंहार हुआ था। जानकारी के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण आदि गोड़ ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं। बाद में पाली में निवास करने के बाद इनकी पहचान पालीवाल ब्राह्मण के रूप में होने लगी, लेकिन इन सबके बीच पूरे देश में फैले लाखों पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। वे इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका तर्पण करते हैं। रक्षाबंधन पर्व जहाँ हर समाज जाति विशेष क्षेत्र में मनाया जाता है, वहीं पालीवाल ब्राह्मण इस पर्व को नहीं मनाते। इसके पीछे पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास की दर्दनाक घटना है। जैसलमेर निवासी ऋषिदत्त पालीवाल बताते हैं कि हमारे समाज के लोग यह पर्व विक्रम संवत 1348 से नहीं मना रहे हैं, यह आज भी कायम है। वो बताते हैं कि पाली नगर के करीब 1,25,000 पालीवाल ब्राह्मणों आबाद थे। प्रत्येक पालीवाल ब्राह्मण संपन्न व सुखी था। उनकी संपन्नता को देखकर पर्वतवासी लुटेरे अक्सर उन पर आक्रमण करते थे, लेकिन प्रकार से दुख देते थे। इससे परेशान होकर शासक सिंह की शरण व सहायता लेने के लिए मुखिया पालीवाल संजोधर ने 1,00,000 रुपये राव सिंह को नजराना भेजकर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। सिंह ने प्रार्थना स्वीकार कर ली व समय समय पर लुटेरों से लड़ाई कर रक्षा करने लगे। पूर्वजों की शहादत की स्मृति में पालीवाल समाज रक्षाबंधन का त्यौहार आज तक नहीं मनाता। हर भाई और बहन मायूस दिखाई देते हैं। रक्षाबंधन पर राखियों को देखकर अपना मन मायूस कर रही है। बचपन से हम हमारे पेरेंट्स को पूछते आए हैं कि हम हर कोई राखी मनाते हैं, बट हम क्यों नहीं मना सकते। तो उस टाइम तो बस यही बोला था कि नहीं, हम नहीं मनाते, ये बलिदान का त्यौहार है, हमारे पूर्वज जो इस टाइम शहीद हुए थे तो हम इसे मना नहीं सकते। लेकिन जब बड़े हुए तब इसका इतिहास पता चला कि हाँ, इसी दिन हमारे पूर्वजों ने कहा बलिदान दिया था। और हाँ, इस चीज़ के लिए पहले लगता था कि क्यों नहीं मनाते, सारे मनाते हम भी मना देते हैं, ऐसा क्या होता है। बट हाँ, अब लगता है कि बलिदान है उनका, तो हम कैसे इस चीज़ को मना सकते हैं फेस्टिवल की तरह। इसलिए हाँ, ये बलिदान का त्यौहार है और हम इसे ऐसे ही मनाएंगे, पालीवाल एकता दिवस। 1290 से 1320 विक्रम ईस्वी सन में खिलजी वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत पे, और वो लूटे रहे थे, लूटते थे। तो एक बार उन्होंने 1291 ईस्वी में रणथंभौर के किले को भी लूटा, फिर 1292 में मंडोर के किले को लूटा। उसको मालूम पड़ा भाई पाली में जो ब्राह्मण रहते हैं वो काफ़ी संपन्न है, तो वहाँ भी लूटपाट करनी चाहिए। तो ये जो खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी है, वो शमसुद्दीन को मारकर फिरोज आदित्य के नाम से शासक बना था। उसने भी हमारे पाली के ऊपर अटैक कर लिया और मारकाट मचाई, ब्राह्मणों को हजारों की संख्या में उसने मारकाट में मारा और ब्राह्मण शहीद भी हमारे। और उस दिन हुआ क्या कि राखी का त्यौहार था और हमारे ब्राह्मण लोग भी उससे पहले राखी मनाते थे। तो सब बहने वगैरह उस पूजा पाठ में वगैरह में भाई के राखी बांधने में या ब्राह्मण लोग पूजा कर्म में लगे हुए थे, तो उनको मजबूरी में उनको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा और हजारों की संख्या में हमें ब्राह्मण शहीद हुए। और उस दिन ब्राह्मण जो शहीद हुए, हमारे पूर्व शहीद हुए हैं, तो उनकी बहनें भी विधवा हुई, माताएं विधवा हुई, तो ये हमारे लिए दुख का दिन था। और स्वाभाविक एक्सीडेंटली उस दिन श्रावणी पूर्णिमा का ही दिन था, तो उस दिन के बाद से हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, हजारों की संख्या में बलिदान हुए। आप कल्पना करो, 9 मण जने उतरी ब्राह्मणों की, और बताते हैं कि 84 मण चूड़ा, तो कितनी संख्या में हमारे माताएं और बहनें, हमारे जो पूर्वज हैं वो बलिदान हुए। तो दुख का कारण है और दुख के कारण से ही आज तक 630 साल हो गए हमारे को हम राखी का त्यौहार नहीं मनाते। आज से लगभग 730 साल पहले हमारी पाली नगरी काफ़ी समृद्ध थी और वहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, किंतु आज के दिन रक्षाबंधन के दिन ही आक्रांता ने हमला कर दिया। उस आक्रमण के कारण हमारे कई पूर्वज शहीद हो गए, कई माताओं के को खुजर गई,
कई बहनें विधवा हो गई, और इसीलिए हम इस त्यौहार को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम इस त्यौहार और उसी की याद में हम हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान को याद रखते हुए उनकी उनके त्याग के रूप में सजीव रखने के लिए हम आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते, हम इसको त्याग दिवस या पालीवाल एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चा पूछे कि वे रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाओ, हमारे पूर्वज पाली माने पाली पाली छोड़ दी, पूर्वज बलिदान हो गए, आज राखी रक्षाबंधन तो हम नहीं मनाते, भाई दूज होती है उस दिन, भाइयों के राखी मना, बच्चा अपनी खुशी कर लेते हैं।